नमस्कार, मैं प्रीति। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ। केंद्र सरकार से छठी अनुसूची की मांग को लेकर गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की ओर से आज सोनादा बाजार में पोस्टरिंग की गई। वहीं 27 जुलाई को गोरा मुमो की ओर से मनाए जाने वाले शहीद दिवस को लेकर प्रशासन से सभा की अनुमति की मांग की गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर गोरा मुमो समर्थकों ने निराशा व्यक्त की है। जमीन विवाद को लेकर एक महिला को निवस्त्र करके पीटे जाने का मामला सामने आया है। घटना में एक स्कूल छात्र सहित 3 लोग घायल हुए हैं। मालदा जिला के रतुआ थाना के चंदमुनी अंचल में लक्ष्मीपुर गांव की घटना है। घर के सामने कुछ युवकों द्वारा अड्डेबाजी का विरोध करने पर एक महिला की मारकर नाक तोड़ दी गई। घटना ओल्ड मालदा नगर पालिका के 19 नंबर वार्ड के मंगलवाड़ी नतुनपल्ली इलाके की है। ब्लॉक ऑफिस परिसर स्थित कार्यालयों में चोरी करने के बाद चारों ने आग लगा दी। इससे ब्लॉक कार्यालय स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग का समस्त कागजात जलकर राख हो गया। घटना मालदा के मान्या चौक ब्लॉक कार्यालय परिसर स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग में घटी है। फुलबाड़ी 1 नंबर अंचल के तत्वधान में गुरुवार को तथ्य मित्र केंद्र शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन फुलबाड़ी 1 नंबर अंचल के प्रधान तपन सिंह ने किया है। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे इसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। नमस्कार।